नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। रामायण और महाभारत की ऐसी कई कथाएं हैं जिनका वर्णन मूल ग्रंथ में नहीं किया गया है, किंतु उनके अन्य संस्करणों में उस कथा का वर्णन है। आज हम आपको रामायण की एक ऐसे ही कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसका वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया, किंतु रामचरितमानस और कुछ दक्षिण भारतीय संस्करणों में इसका वर्णन है। हम सभी भगवान शंकर की पहली पत्नी देवी सती के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये कथा माता सती के प्राण देने के वास्तविक कारण को बताने का प्रयास करती है। ये कथा 27वें कल्प के 24वें त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम के अवतार की है। जब रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया तो श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए वन वन भटक रहे थे। जब माता सती ने यह देखा तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, श्री राम तो आपके अनन्य भक्त हैं, फिर किस कारण वे इतना कष्ट भोग रहे हैं। महादेव ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु इस समय मानवीय अवतार में हैं और यही कारण है कि वे मानवीय गुणों के अधीन हैं, इसीलिए उनकी ये दशा है। श्री राम में भगवान विष्णु के सारे गुण हैं और ये जो आप देख रही हैं वो केवल इनकी लीला मात्र है। किंतु माता सती को महादेव की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कदाचित मानवीय रूप में भगवान श्री हरि की शक्तियां छीण हो गई है, यही कारण है कि उन्हें अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये सोचकर माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने देवी सीता का रूप धरा और उसी मार्ग पर बैठ गई जिस मार्ग से श्री राम और लक्ष्मण आने वाले थे। जब वे दोनों वहां पर आए तो लक्ष्मण माता सती की माया को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये माता सीता ही है, इसीलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। उसी समय श्री राम ने भी आगे बढ़कर उनके चरण छुए, जिसे देखकर लक्ष्मण भी आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले लक्ष्मण कुछ समझ पाते, भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर सीता रूपी माता सती से कहा, हे माता, आप इस वन में एकाकी क्या कर रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको अकेले इस वन में विचरने के लिए छोड़ दिया है? आज आपके दर्शनों को पाकर मैं कृतार्थ हो गया। यदि अपने इस पुत्र के लिए कोई आज्ञा है तो वो बताएं। यह सुनकर माता सती बहुत लज्जित हुई। वे अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आई और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट गई। कैलाश पर भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। इस पर माता सती ने कहा कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली और वहां से चली गई। महादेव से भला क्या छिपा था, उन्हें पता चल गया कि माता सती ने सीता का रूप धरकर श्री राम की परीक्षा ली है। भले ही माता सती ने ऐसा अनजाने में किया था, किंतु भगवान शिव किसी भी स्थिति में देवी सीता को अपनी पुत्री अथवा माता के रूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में नहीं देख सकते थे। सीता का रूप धरने के बाद भगवान शंकर का सती को अपनी पत्नी के रूप में देखना असंभव हो गया और उनका मन उसी क्षण से माता सती से विरक्त हो गया। अपने प्रति भगवान शिव का वैराग्य देखकर देवी सती ने अपने पितामह भगवान ब्रह्मा से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने माता सती को इसका कारण बताया और उनसे ये कहा कि इस जन्म में अब भगवान शंकर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माता सती को अपार दुख हुआ और उन्होंने अपने जीवन के अंत का निश्चय कर लिया। इसी कारण जब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो महादेव के बहुत मना करने के बाद भी माता सती उस यज्ञ में गई और उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। इस प्रकार वो यज्ञ माता सती के प्राण त्यागने का निमित्त मात्र बनकर रह गया। इसके आगे की कथा तो हम सभी को मालूम ही है कि माता सती ही अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में जन्मी और उन्होंने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। हमें आशा है कि ये कथा आपको रोचक लगी होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।